भगवती श्री दुर्गा। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी भगवती श्री दुर्गा ही संपूर्ण विश्व को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करती हैं। इन्हीं की शक्ति से ब्रह्मादि देवता उत्पन्न होते हैं, जिनसे विश्व की उत्पत्ति होती है। इन्हीं की शक्ति से विष्णु और शिव प्रकट होकर विश्व का पालन और संहार करते हैं। यही गोलोक में श्री राधा, साकेत में श्री सीता, क्षीर सागर में लक्ष्मी, दक्ष कन्या सती तथा दुर्गा त्रिनाशिनी दुर्गा हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवती श्री दुर्गा के आविर्भाव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में दुर्गम नामक एक महाबली दैत्य उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को लुप्त कर दिया। वेदों के अदृश्य हो जाने से सारी वैदिक क्रिया बंद हो गई। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न तप किया जाता था, न यज्ञ होता था, न होम ही किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग अत्यंत दुखी हो गए। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिता और समुद्र सभी सूख गए। सभी लोग भूख प्यास से संतप्त होकर मरने लगे। प्रजा के महान दुख को देखकर सभी देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवताओं ने भगवती से कहा, महामाये, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो। सभी लोग अकाल पड़ने से भोजन और पानी के अभाव में चेतनाहीन हो रहे हैं। तीनों लोकों में त्राही त्राही मची है। मां, जैसे आपने शुंभ निकुशुंभ, चंडमुंड, रक्तबीज, मधुकैटभ तथा महिष आदि असुरों का वध करके हमारी रक्षा की, वैसे ही दुर्गमासुर के अत्याचार से हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उन्हें अपने अनंत नेत्रों से युक्त स्वरूप का दर्शन कराया। तदनंतर पराम्बा भगवती ने अपने अनंत नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सिंच गईं। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साक और फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी की इस कृपा से देवता और मनुष्यों सहित सभी प्राणी तृप्त हो गए। उसके बाद देवी ने देवताओं से पूछा, अब मैं तुम लोगों का और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? देवताओं ने कहा, मां, जैसे आपने समस्त विश्व पर आए अनावृष्टि के संकट को हटाकर सबके प्राणों की रक्षा की है, वैसे ही दुष्ट दुर्गमासुर को मारकर और उसके द्वारा अपहरत वेदों को लाकर धर्म की रक्षा कीजिए। देवी ने एवमस्तु कहकर देवताओं को संतुष्ट कर दिया। देवता उन्हें प्रणाम करके अपने स्थान को लौट गए। तीनों लोकों में आनंद छा गया। जब दुर्गमासुर को इस रहस्य का ज्ञान हुआ, तब उसने अपनी आसुरी सेना को लेकर देवलोक को घेर लिया। करुणामयी मां ने देवताओं को बचाने के लिए देवलोक के चारों ओर अपने तेजो मंडल की एक चहार दीवारी खड़ी कर दी और स्वयं घेरे के बाहर आ डटी। देवी को देखते ही दैत्यों ने उन पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच देवी के दिव्य शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगुलामुखी, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली तथा असंख्य मातृकाएं भी प्रकट हुईं। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था। इन शक्तियों ने देखते ही देखते दुर्गमासुर की 100 अक्षौहिणी सेना को काट डाला।
इसके बाद देवी ने दुर्गमासुर का अपने तीखे त्रिशूल से वध कर डाला और वेदों का उद्धार कर उन्हें देवताओं को दे दिया। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था। इन शक्तियों ने देखते ही देखते दुर्गमासुर की 100 अक्षौहिणी सेना को काट डाला। इसके बाद देवी ने दुर्गमासुर का अपने तीखे त्रिशूल से वध कर डाला और वेदों का उद्धार कर उन्हें देवताओं को दे दिया। दुर्गमासुर को मारने के कारण उनका दुर्गा नाम प्रसिद्ध हुआ। शताक्षी और शाकंभरी भी उन्हीं के नाम हैं। दुर्गति नाशिनी होने के कारण भी वे दुर्गा कहलाती हैं। जय मां दुर्गा।